बिल भी तुम्हारे को बताऊंगा, जब बिल बताऊंगा ना तुम कहोगे भाई कंपनी में इतने की सर्विस होती है और बाहर इतने की, और जबकि सारा माल कंपनी वाला और गियर वाल भी खराब निकला पूरा, जबकि 70-75 तक सर्विस होगी तब तक अभी भी खराब है। कंपनी में भी ना सेम माल यूज होता है, उल्टा हम कैस्ट्रोल का डलवा रहे हैं, एमजी का इससे कम से कम भी 600-700 रुपये सस्ता है। वापस से हो गए नेक्स्ट डे अपनी गाड़ी को वापस आ गए डिटेलिंग माफिया पे, चलते हैं अंदर भाई। गाड़ी नहीं होगी भाई, मतलब वो गम हटने का नाम नहीं ले रही भाई की, जो हटारता ना उसकी उंगलियाँ छिलगी उतारते उतारते। ये देख लो भाई, हुआ नहीं हुआ अभी तक, ये देख लो भाई अभी तो गाड़ी में काम चल रहा है, डेढ़ घंटा लगेगा, मतलब 1 घंटा तो लगेगा ही लगेगा, और जबकि आप दूसरा दिन में भाई बहुत मतलब टफ काम था ग्लू उतारना गम, अब जाके उतरी भाई, अभी भी थोड़ी बहुत है लेकिन ये अपना मार रहे हैं रबिंग वगैरह उतर जाएगी। और वो सरम अपने को ये भी तो था ना सरमिक बचानी है, उससे और ज़्यादा दिक्कत है। कोई नहीं, वेट करते हैं। और भी आ गया अपना रिज बेकरी, ठीक है हमने सोचा था कि भाई गाड़ी हो जाएगी, गाड़ी लेके घर चले जाएंगे, और गाड़ी में अभी लगेगा भाई 1.5 घंटा, हमने कहा चल भाई कुछ खा भी आते हैं नहीं चल के, मून अब जल रहा है क्योंकि हमने खा लिया भाई तीखे गोलगप्पे गाइस, मज़ा ही आ गया माँ की कसम, ठीक है। और पैटीज वगैरह खाई है क्योंकि घर से खाना खा के आए थे, ऐसे कोई मन नहीं था, वैसे तो यहाँ सब्वे था पीछे ही, मैंने सब्वे खाएंगे फिर, अब यहाँ खा के ना मन मतलब पेट भर गया, मन तो नहीं भरा पेट, गर्मी भी नहीं लग रही भाई खा पीजिए है ना, ठंड लग रही है, देख लो इसकी बातें। लो भाई अपनी गाड़ी पूरी रेडी हो गई है, ठीक है मतलब अंदर से काम चल रहा है, बाहर से तो पूरी गम वगैरह सब छूट गई, कहीं भी नहीं जा रही फिलहाल तो। लो भाई गाड़ी पूरी रेडी हो गई अपनी, ठीक है गम भी उतार दी, उसके बाद रबिंग भी हो गई, हाइपर भी मार दिया ताकि ग्लॉस बड़ी आ जाए, बस सब हो गया, और अपनी सेरामिक भी बच गई इसी बहाने, देख रहे हो ये मत देखो ये देखो है ना। अब अपना निकलवाते हैं गाड़ी बाहर, ये खड़ी है अपना पूरब वाली गाड़ी, भाई अब अपना लेके निकल चुके हैं गाड़ी, और भाई फुल शाइन मार रही है पहले की तरह हो गई, ठीक है अब अपना जाएंगे भाई घर, फिर मम्मी को लेके जाना भाई शॉपिंग पे, मम्मी भी नाराज़ हो रही भाई 2 दिन से, एक तो गाड़ी नहीं थी और फिर मतलब बस यही रीज़न है भाई गाड़ी नहीं थी, मम्मी को लेके नहीं जा पाया, वैसे स्विफ्ट भी खड़ी थी दोस्तों की गाड़ी है वो तो किसी की भी ले जाता, लेकिन मैंने कहा नहीं अपनी गाड़ी भी चलेंगे, तो अब ले लिया, अब अपना चलते हैं मम्मी के पास और मम्मी को लेके जाते हैं फिर शॉपिंग करवाने। The next day. हाँ जी गाइस व्हाट्स अप, क्या हाल चाल, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग भाई, कोरोना दिन नई शुरुआत, टाइम देख लो भाई 12 बजे, वैसे तो मैं सुबह 8:30 उठ गया था लेकिन अभी नहाया हूँ, ठीक है अब अपना निकल रहे हैं भाई, सेल्टोस का तो सारा काम कम्प्लीट हो गया अपनी गाड़ी का, उसकी वॉशिंग भी हो गई, रैप भी उतार दिया, रैप की गम भी सारी निकलवा दी, कल गाड़ी भी ले आए थे ठीक है आपको दिखाया था, आज अपना स्विफ्ट में काम भाई, अभी जब यहाँ पे रहते हैं ना गाड़ियों का ही काम चलता रहता है, खर्चा ही खर्चा चलता रहता है, ठीक है अभी आ रखी है भाई स्विफ्ट की सर्विस करवानी है आज, और भी 2-4 काम है तो अपना चलते हैं करवाते हैं, स्विफ्ट के हॉर्न भी ख़राब हो रखे हैं तो वो भी चेंज करवाने हैं, तो अभी अपना चलते हैं स्विफ्ट की सर्विस करवाने, और रास्ते में मिलते हैं आपको भाई। अभी अपना लेके निकल चुके हैं एक्टिवा कह रहा हूँ स्विफ्ट को, इसकी सर्विस करानी है, और 2-4 कंप्लेंटें भी है इसमें, और इस बार भाई सर्विस ना कंपनी में नहीं करवा रहा, और ये तुम रेटिंग देख रहे हो इसकी 43,000, इसका ना मीटर चेंज करवाया था, मीटर में दिक्कत आ रही थी, तो इसकी सर्विस है भाई 70-80 हज़ार वाली सर्विस है, ठीक है और इस बार बाहर करवा रहा हूँ सर्विस भाई, तो कंपनी हर बार ना बिल 10-10 हज़ार रुपये का बना देती है, और पिछले 2 बारी से ना उनको ये बोल रखा है कि इसके ना पीछे वाले जो डोर है उसकी हिंज में आवाज़ आ रही है वो चेक कर लो, मतलब ठीक कर दो, वो आज तक ठीक नहीं हुआ, तो वो भी बाहर से अपना करवा लेंगे, बाकी अपना चलते हैं शीतला माता रोड में। आप अपना गाड़ी लगी है सर्विस के लिए अंकित की दुकान पे ही आ रहा है सामने, ये अपना कैस्ट्रोल का ऑयल डलवा रहे हैं भाई, और ये मारुति वाले से काफ़ी बढ़िया ऑयल है, ठीक है इसका अपना अलाइन बैलेंसिंग भी करानी है, सर्विस भी करानी है, वॉशिंग भी करानी है, सारा काम ही करवाना है आज, ऑयल फिल्टर एयर फिल्टर एसी फिल्टर सब चेंज होएगा। अब यहाँ इसका इंजन ऑयल निकाल रहे हैं भाई, कंपनी में भी ना सेम माल यूज़ होता है, उल्टा हम कैस्ट्रोल का डलवा रहे हैं, एमजी का इससे कम से कम भी 600-700 रुपये सस्ता है, मतलब मारुति वाला जेनवन जो आता है ऑयल, और बाकी तो सारा सामान जो भी स्पेयर पार्ट है मारुति का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है पर वहाँ टैक्सीज इतने और फिर कोई ये चीज़ कोई वो चीज़ 10,000 का बिल बनाते हैं, यहाँ तुम्हारे को आगरे में बिल बताऊँगा कितने की हुई है पूरी सर्विस पार्ट्स और लेबर मिला के। देख लो भाई ये निकला अपना इंजन ऑयल, देख लो काला पड़ा हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट 1,000 किलोमीटर और चलती ख़त्म ही था ये, तो इसलिए भाई सही टाइम पर अपना सर्विस भी करा ली, और बिल भी तुम्हारे को बताऊंगा, जब बिल बताऊंगा ना तुम कहोगे भाई कंपनी में इतने की सर्विस होती है और बाहर इतने की, और जबकि सारा माल कंपनी वाला और ऑयल कंपनी से भी अच्छे वाले। और ये देख लो भाई ये एसी फिल्टर निकला बिल्कुल चौक हो रखा है, दिखाऊं इसका गन्ना देख रहे हो पूरा चौक है,
तो ये भी चेंज करवा रहे हैं। और यहाँ अपना भी डल रहा है इंजन ऑयल, 3.5 लीटर है ना ये। ये कैस्ट्रोल का है भाई, 5W30। और ये देख लो ये तेल कैसा है और पुराना कैसा निकला था वो देख लेते। 3.5 लीटर डलता है पूरा, ये देख लो भाई अपना पूरा 3.5 लीटर डल चुका है इसमें इंजन ऑयल। ये देख लो भाई ये निकला है गियर ऑयल, गियर ऑयल भी खराब निकला पूरा, जबकि 70-75 तक सर्विस होगी तब तक अभी भी खराब है। ये अपना गियर ऑयल डलवा रहे हैं कैस्ट्रोल का 80W 90 ढाई लीटर आया, क्योंकि गियर ऑयल पूरा ही ख़त्म था इसका। कम गाड़ी चल गई 75,000 में भी लगा लो 7 बार तो सर्विस कंपनी में, 7 से 8 बार मतलब जितनी भी हुई आज तक एक बार भी चेंज नहीं किया। अब डाल रहे हैं, देख रहे हो इसका कलर देखो है एकदम बढ़िया। हो गई कंप्लीट, बस वाइपर चेंज हो रहे हैं और सॉफ्ट वाले वाइपर डलवा रहे हो इसमें, जो अपने सेल्टोस में डलवाते हूँ हमेशा वही वाले डलवा रहे हूँ। अब अपना यहाँ हॉर्न चेंज हो रहे हैं, पुराने वाले निकाल दिए, पुराने वाले यार ये ख़राब हो गए भाई, मतलब एक बज रहा था एक ख़राब हो गया, ये चेंज करा और दिखा भाई। अब अपना निकल चुके हैं गाड़ी की सर्विस करा के, सब कुछ चेंज करा दिया, गियर ऑयल, इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, ए सी फिल्टर, हॉर्न। अब इसकी करवाने जा रहे हैं भाई एक बार अलाइनमेंट बैलेंसिंग, और उसके बाद फिर अपना चलेंगे अलाइनमेंट बैलेंसिंग करा के घर, क्योंकि वो भी सर्विस का पार्ट होता है ना भाई अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग। भाई अभी आ गए अपना अलाइनमेंट बैलेंसिंग कराने, हमेशा यहीं से कराता हूँ, सेल्टोस की भी यहीं से करवाइए मतलब मैक्सिमम, तो यहीं पे ले आया स्विफ्ट को भी, यहीं अपना चालू हो रही है अलाइनमेंट बैलेंसिंग। ये देख लो भाई यहाँ इसकी अपना करी जा रही है, पहले बैलेंसिंग होएगी, जब 0-0 हो जाएगा तो फिर उसके बाद अलाइनमेंट पर लगेगी गाड़ी, देखिए वही सेम प्रोसेस है जो हम सेल्टोस में करते हैं हमेशा। यहाँ पर अपना बैलेंसिंग हो गया डन, इधर चल रही है अब अलाइनमेंट, मशीन ने बता दिया भाई। भाई अब अपना अलाइनमेंट बैलेंसिंग हो गई डन, ठीक है अब अपना निकल रहे हैं भाई शिव शक्ति टायर पे ही करवाता हूँ यहाँ पे। तो वैसे तो एक बार मैं फरीदाबाद भी गया था करवाने, जब मेरी सेल्टोस का यहाँ पे ढंग से हुआ नहीं था तब, लेकिन वैसे नॉर्मल स्विफ्ट कार का तो बढ़िया यहीं पर हो जाता अपना काम। अपना गाड़ी धुलवाने आए थे, मतलब आए गए थे, दे के चला गया था इनको मैं, ये गाड़ी अपना धो के रेडी कर दी है, देख रहे हो फुल शाइन मार रही है। बाकी अंदर से एक बार और चेक कर लेता हूँ भाई, अंदर से भी बढ़िया साफ़ कर दी, देख रहे हो पॉलिश वगैरह बढ़िया लगा दी और सीटें भी साफ़ है सारी, ठीक है। अब अपना निकलते हैं, अब अपना चलते हैं भाई घर, घर चल के कुछ खाते हैं भाई, सुबह से ऐसे ही निकल रखा हूँ कुछ खा नहीं रखा, घर चल के अपना खाना खाते हैं भाई। अभी आ रखे हैं अपना नानी की दुकान पर, देख लो ठीक है। और मैं तुम्हारे को बता रहा था ना कि भाई अपना बिल कितना हुआ है, बिल कह रहा हूँ गाड़ी की सर्विस की टोटल कॉस्टिंग क्या आई है, ये आ गया देख, टोटल कॉस्टिंग अपनी गाड़ी की आई है भाई, अगर लेबर वगैरह, लेबर, सर्विस पार्ट्स, हॉर्न और मतलब सब कुछ मिला के, गियर ऑयल भी चेंज करवाया, मतलब टोटल हमारे लगे 8,000 रुपये, 8,000 लेबर, सर्विस, अलाइनमेंट बैलेंसिंग, वॉशिंग, सब कुछ मिला के गियर ऑयल भी चेंज करवाया है, ठीक है। अगर यही काम कंपनी में कराता ना कम से कम भी भाई 12-13 हज़ार के अराउंड होता, ज़्यादा ही होता, क्योंकि भाई एक तो GST और टैक्सेस काफ़ी मतलब ज़्यादा रहते हैं उनके, और दूसरी बात गियर ऑयल चेंज कराए उसके चार्जेज एक्स्ट्रा हो जाते, लेबर चार्जेज एक्स्ट्रा हो जाते, हॉर्न चेंज करवाया उस वो अलग चार्ज होता, उसके लेबर अलग रहती, सर्विस के लेबर अलग रहती, स्पेयर पार्ट्स अलग रहते, मतलब बाहर बढ़िया हो गया। नेक्स्ट टाइम हॉर्न चेंज नहीं करवाने पड़ेंगे, गियर ऑयल नहीं डलवाना पड़ेगा, तो लगा लो मैक्सिमम से मैक्सिमम 3,500-4,000 लेबर मिला के, तो क्या ही मार रहा है, सही है ना। तो अपना बढ़िया हो गया, गाड़ी बाहर से सर्विस करा लिया, लाइन बैलेंसिंग भी करा दी, वॉशिंग भी करा दी। अब अपना चलते हैं भाई इसके कैफे पे, कुछ खाने, अपना चलते हैं अपना घर। तो चलो भाई अपना घर चलते हैं, घर चल के अपना वीडियो वगैरह एडिट करेंगे और सोचेंगे, ठीक है। सो गाइस कैसा लगा ये व्लॉग कमेंट करके जरूर बता देना, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।